हेलो फ्रेंड, दिस इज़ नीलेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एंड मोल नेचर। आज मैं बात करूंगा अपने हाथ से बनाए गए एक बहुत ही खूबसूरत डग प्लांट की, प्लांटर की, जो मैंने अपने हाथ से बनाया है। आप देखिए, और मैंने इससे स्पैरेगस लगा दिया है। ये देखिए, इसको मैंने अपने हाथ से बनाया है। और ये जो है, मैंने सेम प्रोसेस जो है, जिस तरीके से बगुले का बनाया था, उसी तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप देखिए, और इसको ट्री प्लांटर, जो ट्री प्लांटर मैंने आपको दिखाया था लास्ट और किसी वीडियो में, उस पे ही उसी पे मैंने इसको स्टैंड किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, और इसको भी सेम प्रोसेस लगी है, वैसे ही बनाया है। और आज जो मेरा टॉपिक है, कुछ प्लांट्स के नाम बताना आपको और उसको दिखाना, तो चलिए फ्रेंड्स उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, इस प्लांट का कैलेडियम नाम है। फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। और ये जो है, इसके इसके बल्ब्स होते हैं, उससे ये ग्रो करता है। और देखिए, ये इसका नाम कैलेडियम है और ये समर का बेस्ट प्लांट होता है। फ्रेंड्स, ये स्पैरिगस है और ये बहुत ही, ये पेरेनियल प्लांट है जो पूरे साल आपके साथ चलता है। तो ये है फ्रेंड्स, ये फिलोडेंड्रॉन है, आपको मैंने कई सारे वीडियो में बताया है। और ये भी बहुत पेरेनियल ही प्लांट है, लेकिन इसकी ग्रोथ समर में बहुत अच्छी होती है। और ये एक प्रकार का वाइन है और फिलोडेंड्रॉन फैमिली से बिलोंग करने वाला प्लांट है। तो देखिए, ये है फ्रेंड्स, ये सिंगोनियम का प्लांट है। देखिए, और मैंने इसको बहुत छोटा सा प्लांट लगाया था, और देखिए इसकी कितनी बड़ी बड़ी लीफ हो रही हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर वे में मैंने फर्टिलाइज़र और मैन्योर यूज़ किया है, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक होती है, और मैन्योर्स। तो देखिए, इस तरीके से इतना इतना खूबसूरत ये हो गया है। ये देखिए, नीचे से बिल्कुल ये इतना बंच में हो गया है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा मनी प्लांट है। और ये भी देखिए, कितने बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं, ये देखिए मेरे हाथ के साइज के। तो देखिए, इसको भी मैंने लगाया है पॉट में, और इसके साथ मैंने कोको कॉयर स्टिक बनाई है। फ्रेंड्स, आपको अगर कोको कॉयर स्टिक का जो बनाने का वीडियो है, अगर वो देखना होगा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा है जो प्योर ग्रीन जो मनी प्लांट होता है, उसका है ये प्लांट। और ये देखिए, मैंने इसको भी कोको कॉयर स्टिक पे लगाया हुआ है, और ऊपर से मैंने एक शॉपिंग बैग होती है, उसके साथ मिला हुआ एक था कागज़ का, उसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया। ये देखिए, इसमें अब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। फ्रेंड्स, ये स्विस चीज़ वाइन का प्लांट है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा समर में पूरा रॉट हो चुका था, ख़राब हो चुका था, ड्राई हो चुका था। मैंने इसको फिर नए तरीके से, फिर मैंने इसको, देखिए मैंने इसकी प्लांटलेट्स को तैयार किया है, और अभी ये हेल्दी है। फ्रेंड्स, ये सेंचेजिया का प्लांट है। मैंने इसको रिपोर्ट किया था फैब में, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। अभी ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हो गया है। उसके बगल में ये देखिए, ड्रेसिना का प्लांट है। और ये जो है आपको दिख रहा, ये देखिए, मैंने आपको इसके मैंने इसके रिपोर्टिंग का वीडियो डाला है, ये बिल्कुल बेकार हो गया था। अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, मोरेंटा की। उसके साथ ये कैलेथिया जो बिल्कुल रॉट हो चुका था, इसमें छोटा सा जड़ सिर्फ बचा हुआ था, उसको भी मैंने लगाया है, उसमें भी प्लांट्स बन चुके हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो है पिंक वाला जो सिंगोनियम होता है, वो है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वाला मनी प्लांट, इसके भी मैंने दिखाया था मैंने आपको, ये भी बहुत देखिए अच्छा चल रहा है मेरा, और इसकी ग्रोथ बहुत हेल्दी प्लांट है, और ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। फ्रेंड्स, ये मेरा बोगेनवेलिया का है, जिसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, हर जगह आपको फ्लावरिंग मिलेगी। ये देखिए, इसमें फ्लावरिंग आ गई है हर जगह, और जब ये पूरे ब्लूम पे हो जाएगा, तो मैं इस पर वीडियो डालूँगा इसके केयर पे। और इसके साथ ये
वाटर लिली, मैंने इसका वाटर जो है चेंज किया है, और इसमें दो तीन बर्ड्स और आ गए हैं, तो जब ब्लूम करेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और उसके साथ ये एडेनियम है, देखिए ये भी ब्लूमिंग पे है। फ्रेंड्स, ये समर का बहुत बेस्ट प्लांट है और ड्रॉट रेजिस्टेंट है। आप इसको लगाइए, इसको सॉइल सेलो पॉट की रिक्वायरमेंट होती है, और सॉइल भी कम रहेगा तो भी चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।